किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी खास सर्विस या डिशेज होती हैं। यही वजह है कि खाने की शौकीन लोगों की भीड़ इस रेस्टोरेंट्स में हर वक्त लगी रहती है। मगर दुनिया के कई ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो अपनी अजीबोगरीब थीम के कारण मशहूर है। यह अजीबोगरीब रेस्टोरेंट किसी अजूबे से कम नहीं है। इन रेस्टोरेंट्स में खाने के साथ साथ ग्राहकों को मोहित करने वाली अनेकों प्रकार की कई अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, कायाबुकिया टैवर्न, जापान। कायाबुकिया टैवर्न नाम का यह रेस्टोरेंट जापान की राजधानी टोक्यो में है। इस रेस्टोरेंट में दूर दूर से लोग वेटर्स को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना परोसने का काम कोई पुरुष या महिला नहीं करते, बल्कि यह काम बंदरों द्वारा किया जाता है। इस रेस्टोरेंट के मालिक ने बंदरों को इस कदर तक तैयार किया हुआ है कि वे अपने आप लोगों को ऑर्डर अनुसार ही सही खाना लाकर देंगे। साथ ही हाथ साफ करने के लिए तौलिया भी बंदर ही लाकर आपके हाथ में खुद देंगे। इन बंदरों का फायदा मालिक को इस रूप में है कि बंदरों के इन कामों के लिए ना तो उसे उनकी सैलरी देनी पड़ती है, और लोग भी बंदरों के काम करने के तरीकों को देखने के लिए भारी संख्या में रेस्टोरेंट में रुक करते हैं, जिससे ये बंदर कमाई का भी एक बेहतरीन जरिया बने हुए हैं। नंबर 2, प्रिज्म थीम रेस्टोरेंट, चीन। प्रिज्म थीम रेस्टोरेंट चीन के तियाजिन शहर में स्थित है। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका लुक एक जेल जैसा है। यहाँ आलिशान रूम के काउंटर पर नहीं बल्कि सलाखों के पीछे टेबल पर खाना परोसा जाता है। जेल में बंद किसी कैदी की तरह लोग यहाँ सलाखों के बीच बैठकर खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट स्टाफ कैदी और जेलर की ड्रेस में मेहमान नवाजी करते हैं। आप लोग भी इस रेस्टोरेंट में बिना जुर्म किए जेल की हवा और टेस्टी फूड खा सकते हैं। आइस रेस्टोरेंट, दुबई। इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बर्फ से बनाया गया है। यहाँ की हर चीज, कुर्सी, टेबल, सजावट का सामान बर्फ से बना है। इस रेस्टोरेंट को दुबई में गर्मियों से बचने के लिए बनाया गया है। दुबई की गर्मी से परेशान होने के बाद अक्सर लोग यहीं आते हैं। यहाँ आपको अंटार्कटिका जैसी ठंड का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा शून्य से नीचे ही रहता है। इस रेस्टोरेंट में आने वाले हर व्यक्ति को एक जैकेट दी जाती है, जो कि रेस्टोरेंट के अंदर की ठंड से बचने के लिए होती है। खास बात यह है कि यहाँ आपको खाने के लिए सिर्फ बर्फ से बनी चीजें ही मिलेंगी। न्यू लकी रेस्टोरेंट, भारत। न्यू लकी रेस्टोरेंट भारत के अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ आने से पहले व्यक्ति को बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राहकों को कब्रों के बीच खाना परोसा जाता है। इस रेस्टोरेंट को एक पुरानी कब्र के ऊपर बनाया गया है। इसमें कुल मिला के 12 कब्रें हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं है कि यह कब्रें किन की हैं। इस रेस्टोरेंट में मालिक के अनुसार जब उन्होंने ये रेस्टोरेंट को खोलने के बारे में विचार किया, तो उन्होंने कब्रों को वहां से हटाने की बजाय उनके आसपास ही कुर्सियों और मेज रख दिए। इसी कारण यह और भी आकर्षित लगने लगा, और अब यहाँ हर रोज भारी संख्या में लोग बिना किसी भय के खाना खाते हैं। सुबह इस रेस्टोरेंट के खुलते ही सबसे पहले इन कब्रों की साफ सफाई करके इनके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं। नंबर 5, हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट, अमेरिका। हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट अमेरिका के लास वेगास में है। यहाँ के शेफ डॉक्टर की ड्रेस में होते हैं, और महिला वेटर्स नर्स की यूनिफॉर्म में खाना सर्व करती है। खासियत यह है कि यहाँ खाना खाने के लिए आपको भी अस्पताल की ड्रेस पहननी पड़ेगी। खाने में आपको लाइन फ्राइज, बाईपास बर्गर और कॉर्नरी हॉट डॉग जैसी चीजें मिलेंगी। द मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट, जापान। जापान के इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट ने तो सभी हदें पार कर दी हैं। इस रेस्टोरेंट में सभी क्रियाएं एक टॉयलेट के रूप में की जाती हैं। यहाँ बर्तनों की जगह टॉयलेट में काम आने वाली चीजें जैसे फ्लैश सीट, बाथटब, मग आदि का प्रयोग किया जाता है। होटल के अंदरूनी भाग को भी एक टॉयलेट के रूप में ही सजाया गया है। यहाँ आने वाले ग्राहकों को टॉयलेट सीट पर ही बिठाया जाता है। उन्हें फ्लैश सीट, बाथटब, मग जैसी चीजों में ही खाने को दिया जाता है। नंबर 7, अगर आपको आसमान में बैठकर खाना खाने का मौका मिले, तो क्या आप यह मौका अपने हाथ से जाने देंगे? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि बेल्जियम का एक अकेला रेस्टोरेंट जो हवा में लटका हुआ है, यहाँ क्रेन की मदद से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक डाइनिंग टेबल लटकाई जाती है, जहाँ बैठकर लोग खाने खाने के साथ साथ दूर दूर तक का नजारा भी लेते हैं। नंबर 8, द रोबोट रेस्टोरेंट, भारत। यह अनोखा रेस्टोरेंट भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इस रेस्टोरेंट में मुख्य काम 7 रोबोट्स की टीम द्वारा किया जाता है। होटल के रिसेप्शन पर भी रोबोट ही आपका स्वागत करेंगे। यहाँ उपस्थित एक रोबोट की कीमत तकरीबन 5 लाख तक की है। होटल के अन्य कर्मचारियों को उनके साथ काम करने के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस रेस्टोरेंट के मालिक के अनुसार इन रोबोट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि ग्राहक के ऑर्डर प्राप्त करने के बाद ये शेफ को देते हैं, और फिर ग्राहक का सही ऑर्डर उनके टेबल तक पहुँचा देते हैं। ओपाक्यू कैफे। ओपाक्यू कैफे नाम का यह अजीबोगरीब रेस्टोरेंट वेस्ट हॉलीवुड में है। यहाँ अंधेरे में खाना सर्व होता है। यही नहीं, यहाँ के सभी वेटर्स भी नेत्रहीन हैं। हालांकि अंधेरे कमरे में खाना खाने में लोगों को एक अलग ही आनंद आता है। यही वजह है कि यहाँ काफी सारे लोग आते हैं। नंबर 10, कैट कैफे रेस्टोरेंट, जापान। कैट कैफे रेस्टोरेंट अनोखे अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आमतौर पर सभी प्रसिद्ध देशों में कैट कैफे खुले हुए हैं। जापान में भी एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में अलग अलग नस्ल की खूबसूरत बिल्लियां मौजूद हैं, जो कि कैफे में आए हर एक व्यक्ति की अलग तरीके से स्वागत करती हैं, और उनके लिए मनोरंजन का माध्यम भी बनती हैं। इन बिल्लियों को एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वे किसी भी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही कैफे के अन्य कर्मचारियों को भी बताया गया है कि बिल्लियों से कैसे व्यवहार करना है। इन बिल्लियों की विशेष बात यह है कि ग्राहक के साथ साथ यह खुद भी कॉफी पीती है।
ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।